धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूँगा, मेरे क्षेत्र में, क्योंकि जब आप जम्मू कश्मीर और विशाखापट्टनम तक पहुँच गए, तो उत्तर प्रदेश दिल्ली से 60-70 किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ मैं। गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हरिद्वार कहते हैं, वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी के बीच में टोल है, जो कि नहीं होना चाहिए। लोग सुबह आते जाते हैं, उनको टोल देना पड़ता है। जब DPR बना और एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया, उसमें दिक्कत ये भी हुई है, सब नॉर्मली 60 किलोमीटर पर टोल लगता है, लेकिन मेरे क्षेत्र में ये जानते हुए कि ये टोल म्यूनिसिपैलिटी के बीच में आ रहा है, हर महीने पूर्णमासी पर वहाँ लाखों लोग आते हैं, उसके बावजूद 40 किलोमीटर पे टोल दिया, 40-40 किलोमीटर पे मेरे यहाँ। मेरा माननीय मंत्री जी से, और एक जो गंगा के पुल पे ब्रजघाट पे गंगा के पुल की मरम्मत पिछले 4 साल से सर लगातार चल रही है, एक तरफ से बंद है रास्ता, सैकड़ों दुर्घटनाएं हुई हैं, और पता नहीं माननीय मंत्री जी इतने एफिशिएंट अधिकारियों ने जो जवाब दिया मेरे को, माननीय मंत्री जी का जवाब मिला 6 जून 2020 को कि वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा 2020 तक। अभी फरवरी में मेरे को जवाब दिया है 4 फरवरी को कि वो पूर्ण कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है। अभी पिछले 8 तारीख को जब दिशा की बैठक मैंने ली, तो मुझे NHAI के PD ने बताया कि साहब कम से कम 6 महीने और लगेंगे, इस पर 35 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है इसकी मरम्मत पर, लेकिन हमें अभी कुछ पता नहीं चल रहा। देख लेना माननीय मंत्री जी।